हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज हम लोग हेलन केलर चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। हेलन कहती है कि वो अक्टूबर 1894 में 2 साल के लिए ह्यूमैसन स्कूल गई, जो एक बहरे लोगों के लिए स्कूल था, यानी इट वॉज़ ए स्कूल फॉर डेफ। मिसेस सुलिवन भी हेलन के साथ गई थी और हेलन ने वहाँ जाकर अर्थमेटिक, फिजिकल जियोग्राफी, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज भी सीखी। ये स्कूल हेलन के लिए इसलिए चुना गया था ताकि हेलन लिप रीडिंग और अपने स्पीच यानी बोलने के तरीकों को काफ़ी बेहतर बना सके, क्योंकि ये स्कूल काफ़ी अच्छा था, यानी इट वॉज़ द बेस्ट फॉर कंटिन्यूइंग द डेवलपमेंट ऑफ हेलेंस स्पीच एंड लिप रीडिंग स्किल। हेलन एंड मिसेस सुलिवन का एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी निराशाजनक थी इन हर लिप रीडिंग एंड स्पीच स्किल, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रही थी, फिर भी दे वेयर नॉट अप टू द मार्क, और जिसके कारण वो लोग थोड़े से डिसअपॉइंट भी थे। हेलन को मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हेलन को फिजिकल जियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जिसके वजह से हेलन न्यूयॉर्क में कुछ और समय तक रुकना चाहती थी ताकि वो कुछ अच्छे मेमोरी के साथ वहाँ से जा सके। हेलन को न्यूयॉर्क में सबसे अच्छी चीज़ एक ही चीज़ लगती थी, और वो था न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, जहाँ हेलन रोज़ वॉक के लिए जाया करती थी। और हेलन की नज़दीकियाँ नेचर से हेलन को उसके पहले ज़िंदगी के करीब ले जाने में मदद कर रही थी, जब वो अपने कंट्री में थी। उन सब यादों के बारे में वो काफ़ी सोच रही थी सेंट्रल पार्क में जब भी वो वॉक करने जाया करती थी। और पहले से ही, आप लोगों को पता है, पहले से ही हेलन नेचर से काफ़ी नज़दीक थी, तो इसी के कारण जब भी हेलन सेंट्रल पार्क में घूमा करती थी तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचा करती थी। और यहीं पे चैप्टर 17 ख़त्म होता है। हेलन केलर चैप्टर 18। हेलन कहती है कि उसने 1896 में रेडक्लिफ की तैयारी करने के लिए वो कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में अपना नाम लिखवाई। वहाँ भी मिसेस सुलिवन एज एन इंटरप्रेटर वो हेलन के साथ थी, एज ए इंटरप्रेटर इसलिए क्योंकि हेलन का यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वो इस बार उन लड़कियों के साथ क्लास अटेंड कर रही थी जो देख और बोल सकती थी, तो बस इसी के लिए मिसेस सुलिवन गई एज एन इंटरप्रेटर। वहाँ की टीचर के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ की टीचर ने भी पहले कभी नहीं पढ़ाया था हेलन जैसे बच्चों को। हेलन ने अपने फर्स्ट ईयर में उसने काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े और सीखा, जैसे कि इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, जर्मन, लैटिन, अर्थमेटिक, लैटिन कंपोजिशन एंड ओकेजनल थीम्स। ये कुछ सब्जेक्ट थे जो हेलन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। मिसेस सुलिवन ने हेलन की हर समय हर वक्त मदद की। क्लास में चल रहे लेक्चर्स को भी हेलन के हाथ पे लिख समझाया समझा दिया करती थी, लेकिन हर चीज़ लिख पाना और समझा पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हेलन की पढ़ाई के प्रति दृढ़ इच्छा और मिसेस सुलिवन की कोशिशों ने हेलन को उसके सब्जेक्ट में एक पास मार्क लाने में वो सफल रहे। हेलन के लिए रेस डॉट में बुक्स प्रोवाइड करना वो भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी हेलन ने अपने हर सब्जेक्ट में एक संतोषजनक मार्क लाने में सफल थी। उस कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल और जर्मन टीचर ने भी मिसेस सुलिवन से फिंगर स्पेल करने के लिए सीखा, ताकि वो मिसेस सुलिवन को थोड़ा सा ब्रेक दे सके, लेकिन वो मिसेस सुलिवन की तरह फ्लुएंट नहीं थे। वहाँ के प्रिंसिपल गिलमैन हेलन को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे, उसके स्कूल एकेडमिक के बचे हुए फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे चैप्टर 18 ख़त्म होता है। अब हम लोग चैप्टर 19 शुरू करते हैं। हेलन केलर चैप्टर 19। हेलन इस चैप्टर में अपने सेकेंड ईयर एट गिलमैन स्कूल के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक डिसेबिलिटी के साथ रहने वाले बच्चों के लिए कोई भी काम थोड़ा सा मुश्किल भरा रहता है, और जिसके वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि उसे मैथ पढ़ना पड़ रहा था, वो भी कोई टूल्स के क्लास के बिना। क्लासेस भी काफ़ी लंबी थी, यानी स्टूडेंट भी काफ़ी थे, और जिसके वजह से टीचर भी हेलन को स्पेशल क्लास नहीं दे पा रहे थे। वैसे तो मिसेस सुलिवन कुछ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स हेलन के लिए रीड कर देती थी, बट इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू रीड ऑल फॉर हर। लेकिन कुछ ही समय में हेलन के लिए ये मुश्किलें भी जाने लगी। अब हेलन के लिए कुछ बुक्स और एपरेटस आ गए जो हेलन के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, और उसका फ्रस्ट्रेशन जाने लगा, और हेलन वापस कॉन्फिडेंस
को गेन करने लगी। मिस्टर गिलमैन ने स्पेशली हेलेन के लिए कुछ चेंजेस की जो हेलेन का ओवरवर्क से जो हेलेन को ओवरवर्क से बचाएगा। और मिस्टर गिलमैन एंड मिसेस सुलिवन के बीच थोड़ा सा मतभेद भी हो गया, क्योंकि मिस्टर गिलमैन हेलेन को 3 साल में कोर्स पूरा करने के लिए कह रहे थे, जबकि हेलेन बाकी अपने दूसरों साथियों के साथ ही 2 साल में ही वहाँ से निकल जाना चाहती थी। बाद में हेलेन की माँ ने हेलेन और उसकी बहन मिल्ड्रेड को वहाँ से यानी कैम्ब्रिज स्कूल से निकाल दिया उस मतभेद के बाद जो मिस्टर गिलमैन एंड मिसेस सुलिवन के बीच में हुआ था। उसके बाद अब हेलेन अपनी बची हुई कोर्स एक ट्यूटर के हेल्प से पूरी कर रही थी, जो हेलेन को उसके घर पे ही आके हेलेन के सारे प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करता था। हेलेन को भी अब ये आसान लग रहा था, उसे समझ में भी आ रहा था वो सारी चीज़ें जो वो क्लासरूम में बैठ नहीं समझ पा रही थी। जून 1899 में हेलेन का एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन वहाँ मिसेस सुलिवन को क्वेश्चन पेपर रीड करने में के लिए मना कर दिया गया, और जो लोग हेलेन के लिए रखे गए थे वो हेलेन के लिए बिल्कुल अनजान थे। लेकिन इसके बावजूद हेलेन के ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन से वो सारे चीज़ को पीछे छोड़ती हुई वो सफलता हासिल कर ली। और यहीं पर चैप्टर 19 ख़त्म होती है। चैप्टर 20 जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, 22, 23। सो थैंक यू स्टूडेंट।